का ट्रेलर कैसा लगा बताइए, आप पक्ष में हैं विपक्ष में हैं, क्या चीजें ठीक लग रही हैं, क्या लग रहा है कि आपको ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर इसमें दिखाया गया है? चित्रा जी, बिल्कुल भी बड़ा चढ़ा के नहीं दिखाया गया है, बिल्कुल जो सच्चाई है, जो सच्ची घटना हुई है केरला में, उसी के ऊपर ये फिल्म बनाई गई है और ट्रेलर बहुत बढ़िया है, क्या शानदार ट्रेलर है। और बहुत अफसोस की बात है कि ऐसी घटनाएं होती हैं, पर मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्में और बननी चाहिए, जैसे कश्मीर फाइल्स, मुल्क और ऐसे मुद्दों पर फिल्में बननी चाहिए। फिल्मों का दो कारण होता है बनाने का, या तो वो जनता का मनोरंजन करे या तो उनको जागरूक करे, उनके अंदर उनको सच्चाई दिखाई जाए। तो बहुत बढ़िया टॉपिक है और मुझे लगता है कि ऐसी फिल्में चलनी चाहिए, लोग जाके देखने चाहिए। जैसे कश्मीर फाइल्स भी बहुत बढ़िया बिजनेस किया था कश्मीर फाइल्स ने। तो देखिए, बाकी पॉलिटिकल और राजनीतिक बातें तो इसमें बार बार कहा जाता है, इस्लामोफोबिया का शिकार हो चुका है एक वर्ग, इस वजह से इस तरह की फिल्में लेकर आता है। पर चित्रा जी, इस्लामोफोबिया हमारे बीच में एक जीता जाता उदाहरण, एक एग्जाम्पल है गायत्री, जिनके साथ, जिनके सिस्टर के साथ ये बात हुई थी, ये घटना हुई थी। सॉरी, आप कुछ पूछ रही थी। एक वर्ग ये भी कहता है कि फिल्म इंडस्ट्री का एक हिस्सा ऐसा है जो इस्लामोफोबिया का शिकार हो चुका है, जैसे शहजाद जी और शोएब जी जैसे लोग बैठ के और बोलते हैं कि जहर घोल रहे हैं, या पॉलिटिकल इसको एंगल दिया गया है, या मजहबी एंगल दिया गया है। अरे अब आप ये शहजाद जी, अब आप ये बोलेंगे कि गायत्री किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करती हैं, काम करती है उनके लिए, तभी उन्होंने अपनी ये जिंदगी की कहानी बताई है, तो उनको जाके, मतलब शहजाद जी आप कैसी बात है, प्लीज ऐसा गलत संदेश मत दीजिए नेशनल न्यूज पे आके। और कौन से है बोल रहे हैं, हुआ है ना केरला में, हुआ है ना, जो डेटा दिया जाए, जब भी ऐसे मुद्दों पे फिल्म बनती है आप इतना इनसिक्योर क्यों हो जाते हैं? क्योंकि झूठ है ना ये किसी, क्या ये किसी फायदे के लिए किया जा रहा है, किसी को खुश करने के लिए किया जा रहा है? नहीं, क्या झूठ है? आपको लगता है कि जो गायत्री जी ने अभी आके बोला है नेशनल न्यूज पे वो झूठ बोला है? मनगढ़ंत कहानी है, जहर घोलने के लिए है। आपने बताया फिल्म इंडस्ट्री पे, अगर एक बार वो जहर घोलने के लिए है जी, नुपुर की बात पूरी हो जाए, सब लोग साथ में बोलेंगे, लोगों क्या कौन को सच्चाई दिखाना बहुत जरूरी है, उनको जागरूक करना। कौन दिखाता है इस दुनिया में सच्चाई? एक तो न्यूज चैनल्स दिखाते हैं और फिल्मों के जरिए लोगों को संदेश मिलता है, इट्स एन एग्जाम्पलरी प्लेटफॉर्म, क्योंकि लोग फिल्मों को फॉलो करते हैं, देखने जाते हैं, तो उनको पता चलना चाहिए। जी जी जी, और इससे भी आपको आपत्ति है, आप इसको मजहबी इशू मत बनाइए प्लीज। और यहाँ पे फिल्म तंग करने वाली बात नहीं है, ये मामला बेहद गंभीर है, हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियों की जिंदगी से जुड़ा हुआ ये मामला है। 32,000 के आंकड़े को थोड़ा अगर कम भी कर ले, एक सेकंड सर सुनिए मेरी बात को, ये यहाँ पर तंग करने के लिए या फिर हंसने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया गया आपको। 32,000 का आंकड़ा अगर थोड़ा हम कम भी कर लें तो भी ये मामला इस देश के लिए बेहद चिंतनीय है। ठीक है, वो उन्होंने बताया ना अभी आंकड़ा कि 40,000 तो आईसिस के आतंकवादी है, तो 32,000 आंकड़ा कैसे हो सकता है? लेकिन ये तो बीते 10 सालों का आंकड़ा है ना, और ऐसा तो है नहीं कि ये झूठ है, इस तरह की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं, एनआईए जैसी एजेंसियां जांच करती रहती हैं। सर, ये हंसने वाली बात नहीं है ना, ये तो गंभीर बात है, आप इस पर तंज कसेंगे, नुपुर की बातों को मजाक में उड़ाएंगे, ये तरीका तो ठीक नहीं है ना शहजाद खान जी। मजाक करने वाले, लेकिन संगीत रागी जी, अब तो सवाल आप लोगों को भी फिल्म का इंतजार क्यों रहता है? जांच एजेंसियां, सरकारें आखिर क्या कर रही हैं? 32,000 लड़कियां, देखिए आप लोग ये दावा कर रहे हैं 32,000 लड़कियों के साथ ऐसा हुआ, 32,000 लड़कियां गायब हो जाती हैं राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक, क्या करती है? इस सवाल का जवाब कौन देगा संगीत रागी जी? देखिए चित्रा जी, आपको पता है कि केरला में कौन सरकार है और वो किसके साथ खड़ी रहती है। एक 6 साल पहले मैं लव जिहाद पर एक टेलीविजन शो कर रहा था और बीच में ही एक केरला की प्रोफेसर ने मुझे फोन करके कहा, जो मेरे साथ हिंदू कॉलेज में यहां पर थी, संगीत ये सच्चाई है, ये वास्तविकता है, ये कैंपस की स्थिति है इस स्टेट में, इसलिए इसको गंभीरता से लेकर के इस पे बातें करो। और तब से मैंने भी इसको ट्रैक किया है, सच्चाई तो यह है कि इस्लामिक जिहाद
जिसमें लड़कियों को मेंटली, जिसको कहते हैं, उनको उसमें घोल करके, जहर बना करके और उनको पिलाया जाता है, और सीरिया में लड़कियां जाती हैं आईएसआईएस के लिए काम करने के लिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं शुरू से कह रहा हूं, यदि आप वृंदावन के विधवाओं पर आप काम कर रहे हैं तब आपको परेशानी नहीं है, वाटर फिल्म बनती है परेशानी है, लेकिन शेख को आप लड़कियां सप्लाई करते हैं और 6 साल की बच्ची से वो आकर के यहां शादी कर लेती है और लेकर के चली जाती है, इस पर यदि फिल्म बन जाए तो इनको बड़ा कोहराम हो जाएगा, बड़ा परेशानी होगा। लव जिहाद जैसी घटनाएं घट रही हैं, यदि कोई कह रहा है, मैं तो कहता हूं 2 ही घटनाएं घटती हैं तब भी उस पर फिल्म बनती है, तो क्या आपको दिक्कत है?